हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज योर एजुकेटर और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की एक और वीडियो लेके आ गए। 13 अक्टूबर 2020 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज को हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से लिए गई सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है या फिर उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। ओके दोस्तों, बाईलैंग्वेज वीडियो होने वाली है। यहाँ पे रिटन लैंग्वेज इंग्लिश होगी और एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज हिंदी में होगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मुझे उससे काफी ज्यादा हेल्प होती है। ओके दोस्तों, और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 20 अक्टूबर से जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं तो देर ना लगाइए और साथ ही साथ एक कोड को यूज करिए, स्टडी आईएएस को। स्टडी आईएएस को यूज करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। मान लीजिए कि कोई कोर्स अगर आपका 1000 रुपए का है तो उस कोर्स पे आपको 100 रुपए का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्टडी आईएएस कोड को यूज किया है। ओके दोस्तों, तो पैसे बचाइए और स्टडी आईएएस कोड को यूज करिए। डेली करंट अफेयर शो विद अमन शर्मा सर जो है ये आपका प्लस में मिलता रहता है। प्लस का सब्सक्राइब कीजिए, एनरोल करिए अपने कोर्स को और बेस्ट एक्सप्लेनेशन का मजा उठाइए। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है अगर आप लोग सर से पढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स को। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अनअकैडमी प्लस पे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है। नेक्स्ट, आपके लिए हमने एक नंबर इशू करवाया है। ये नंबर आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए, आपको स्ट्रेटेजी से कोई रिलेटेड हो, टाइम टेबल से हो, एजुकेटर को किस एजुकेटर को फॉलो करना है, प्राइस के मामले में कोई बात हो तो आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, अभी आपके स्पेशल बैच शुरू होने वाले हैं 19, 14 और 14 अक्टूबर से। यहाँ पे भी आप एनरोल कर सकते हैं। 3 नए बैचेस हैं आपके यूपीएससी सीएससी मेंस 2020 के लिए। ओके दोस्तों, मिशन यहाँ पे लोगों के लिए बनाए गए हैं। मिशन एयर 1, लक्ष्य एयर 1, मिशन एयर 1, इस तरीके के कोर्सेज हैं जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। बायलैंगुअल हिंदी इंग्लिश हर एक लैंग्वेज में, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, और एक और बात और इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं तो आपको 25 तारीख को यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। 10 AM को हर महीने की 10th और 25 तारीख को होता है। नेक्स्ट आपको 25 अक्टूबर को होने वाला है और जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टॉप 50 रैंकर्स को प्राइजेस मिलते हैं। यहाँ पे आपका मनी भी हो सकता है या स्कॉलरशिप, किसी भी तरीके की आपको प्राइजेस यहाँ पे दी जाते हैं। फ्री में होता है मॉक टेस्ट, फ्री में एनरोल कीजिए और लुफ्त उठाइए अपने प्राइजेस का। अब बात करते हैं न्यूज पे, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन खोलने की बात करी गई है। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री खोली थी, जल शक्ति मिनिस्ट्री, आप सब जानते हैं। उसी का एक मिशन है जल जीवन मिशन। अब ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इसका एम क्या था कि ये इसका मानना था कि 2024 तक ये हमारे भारत के अंदर जितने भी रूरल होम है, मतलब कि गांव देहात में जो घर आते हैं वहां पे ये लोग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। कब तक? 2024 तक। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने क्या किया है, अभी जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया अप्रोच यहाँ पे लाया है। अब ये अप्रोच क्या है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो भी आप कह सकते हैं रूरल जो एरियाज हैं वहां पे ये लोग एक वैन बेचेंगे। उस वैन का क्या काम होगा, वो वाटर को टेस्ट करेगी कि यहाँ पे कैसा पानी है, किसी एक एरिया में कैसा पानी है, वहां पे किस तरह की सुविधाएं दें जिससे कि वो पानी बढ़िया हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पानी पहुंचाने तक की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे सप्लाई होगी क्लीन और सेफ वाटर की, मतलब कि लोगों की हेल्थ पे भी यहाँ पे फोकस किया गया है। ओके दोस्तों, जितने भी अभी वाटर टेस्टिंग होगी आपकी, इसमें सब कुछ होगा। ये जो वैन है इसके अंदर सब कुछ होंगे, मल्टी पैरामीटर सिस्टम यहाँ पे रखा जाएगा, एनालाइजर हो गया, सेंसर हो गए, इन सभी चीजों को यहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों। ओके, इंस्ट्रूमेंट हो गए जितने भी वाटर टेस्टिंग के लिए जरूरी होते हैं, उन सभी को यहाँ पे रखा जाएगा। वाटर क्वालिटी जो है हरियाणा स्टेट में, उन्होंने मेनली ये जो अफेक्ट करती है या फिर आप मान सकते हैं कि जिस वजह से इनको दिक्कत आती है कि कौन से ऐसे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं हरियाणा के वाटर में, तो मेनली होता है आपका TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, मतलब कि ऐसे सॉलिड्स जो कि आपके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब आप मान सकते हैं नैनोमीटर्स, बहुत ही छोटे होते हैं ये, इसलिए वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और आमतौर पर ये आपको देखने को नहीं मिलते। फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, एल्कलिनिटी पाई जाती है, तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो पाए जाते हैं आपके हरियाणा के वाटर क्वालिटी में। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उन्होंने एक नया अप्रोच यहाँ पे लाया है। उन्होंने अपने स्टेट में क्या किया है, 8 मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन, चलती फिरती एक लेबोरेटरी रहेगी। यहाँ पे ये लोग जाएंगे रूरल एरियाज में, वहां पे टेस्ट करेंगे पानी को, भाई देखेंगे कोई पानी कैसा है, कहाँ का कैसा है, या फिर उस पानी को और अच्छा करने के लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से वहां पे काम जो है वो करवाया जाएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इस फोटो से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए ये एक वैन है, जैसे आप देख रहे हैं फोटो में इतनी बड़ी वैन रहती है। हर एक पार्ट में इसका क्या रहता है कि वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी की हर एक छोटी छोटी चीज यहाँ पे रखी जाती है। ओके, अब ये इतनी बड़ी बड़ी रहती है, आप मैं बता दूं आपको, तो इसके पार्ट्स के बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, पर टेस्ट आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें टेस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज पीएच, कि पानी का पीएच, वाटर का पीएच जो होता है वो 7 होता है दोस्तों। ओके, तो 7 होना चाहिए एक स्टैंडर्ड पीएच, ये चीज। दूसरी चीज यहाँ पे हार्डनेस देखी जाती है कि कितना ज्यादा हार्ड है, और फिर उसमें क्लोरीन की मात्रा कितनी गई है, जिंक की मात्रा कितनी है, नाइट्राइट की कितनी है, फ्लोराइड की कितनी है आपके, या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके, की छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जीवित होते हैं आपकी बॉडी को, हार्मफुल हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए, उन सभी को यहाँ पे टेस्ट करने की बात करी गई है। ओके, अंदर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दिखेगा, यहाँ पे वाटर बॉडी टेस्टिंग करी जाएगी, जो भी हिसाब से पानी यहाँ पे सैंपल्स लिए जाएंगे उसको टेस्ट किया जाएगा, और हर तरह की सुविधा जो है वो इस वैन के अंदर होगी। अब क्या किया जाता है, इसे रूरल एरियाज में भेजा जाएगा, वहां पे टेस्टिंग करी जाएगी और जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे वो सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लोगन कैसा है, कि आप स्टेप टुवर्ड्स प्योरिटी स्टे हेल्दी बाय ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर, अच्छा पानी देने की बात यहाँ पे करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। मिशन कौन सा है, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है कि सेंट्रल पावर सेक्टर ऑफिसर्स रेंडरिंग असिस्टेंस इन पावर रिस्टोरेशन। अभी आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में या फिर मुंबई में अभी क्या हुआ है कि वहां पे काफी सारे आप कह सकते हैं केसेस देखे गए थे, तो इसीलिए वहां के जो यूनियन मिनिस्टर हैं या फिर आप मान सकते हैं कि जो मिनिस्टर हैं वहां के पावर के MNRE के श्री आर के सिंह, उन्होंने ये कहा है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग एक ऑफिसर्स की एक टीम भेजेंगे, वो वहां पर चेक करेगी या फिर असिस्ट करेगी कि किस तरीके से पावर को रिस्टोर किया जा सकता है। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से पावर को और बचा के लोगों तक पहुंचाया जाए, कम से कम पावर मतलब आप लोग कह सकते हैं कि वेस्ट हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर ज्यादा दूर आपको पावर भेजनी पड़ेगी तो वहां पे जो आपकी पावर रहती है वो वेस्ट हो जाती है। ओके, कि जो आपका मान सकते हैं जो करंट रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपके डिस्टेंस से। ओके, या फिर एरिया से, इस तरीके से रहता है, तो जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना बढ़िया आपका पावर सप्लाई भेजी जा सकती है। तो ये बात कही गई है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर क्या है कि 2000 मेगावाट जो है वो वेंट ऑफ किया जाता है, और उसमें से 1900 मेगावाट जो है उसे रिस्टोर किया जा सकता है। ओके, बाकी को भी रिस्टोर किया जाएगा, मतलब मान सकते हैं कि इतना सारा जो है वो वेंट ऑफ हो जाता है, और उसमें से बात करी गई है 1900 मेगावाट को रिस्टोर किया जा सकता है। ओके, तो जो नेशन है, जो वहां का नेशनल है वो ग्राइंड इज फाइन, द प्रॉब्लम हैपेंड इन द सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट ग्रिड। ओके दोस्तों, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो वहां के जो ये जो आर के सिंह जी हैं, इन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल ने एक टीम को बोला है मुंबई विजिट करें, वहां पे प्रॉब्लम्स को देखें, चेक करें कि क्या प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही है, और साथ ही साथ वो लोग ये भी देखें कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी खत्म करा जाएगा उतनी ज्यादा पावर जो है वो बचाई जा सकती है। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आता है कि कामधेनु दीपावली अभियान एक शुरू किया गया है। देखिए आरकेएम जो है, इसका एम क्या रहता है कि ये 11 करोड़ जो फैमिलीज हैं उन्हें वो 33 करोड़ दिव्यास मतलब दिया जो है वो करेंगे। अब ये जो दिया रहेंगे ये आपके काउ डक से होंगे। ओके, दिवाली के आप मान सकते दिवाली के फेस्टिवल पे आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है कि जो दिए हैं वो जलाए जाते हैं घर के आसपास। तो यहाँ पे बोला गया कि 11 करोड़ फैमिलीज को ये बोला गया है कि वो लोग अपने घर में जो दिवाली जलाएंगे वो काउ डक से जलाएंगे, मतलब ये जो दिए जलाएंगे वो काउ डक से दिए जो वो जलाए जाएंगे। ओके दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख जो दिए हैं उसे पूरी सिटी के अंदर उस टाइम पे अयोध्या में अकेले, अगर आप अभी माने तो जो रिसीव मतलब अभी जो हुआ था उस हिसाब से मैं अगर आपको बताता हूँ तो 3 लाख जो दिए हैं वो जलाए गए थे आपके अयोध्या सिटी के अंदर अकेले, और 1 लाख जो दिए थे वो आपके जलाए जाते हैं वाराणसी के अंदर। इसी बात को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 33 करोड़ दिए जो है वो जलाने की बात कही गई है इस अभियान के दौरान में। ओके दोस्तों, आप मान सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ काम होता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, एक नया बिजनेस खुल जाएगा लोगों के लिए, है ना। आप लोग समझ सकते हैं कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और अगर किसी फार्मर को मान सकते हैं किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जरूरत है, या फिर किसी काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स कोई कंपनी है जो काउ डक को प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करती हो, या फिर उसका बिजनेस उस पर टिका हो या करना चाहती हो, जो चाहे उसका साफ करना हो गया या फिर उस प्रोडक्ट की सप्लाई करवाना हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पे नए नए अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिल सकती है हमें। ओके दोस्तों, सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की बात करी जा रही है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक चार बात जो है वो कही गई है। एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, सबसे ज्यादा जो चाइनीज दिए हैं उनके अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद के बनाए हुए, हमारी हमारी जो खुद की कंट्री है यहाँ पे बनाए हुए जो दिए हैं, ओके स्वदेशी दिए एक तरीके से आप मान सकते हैं, वो यहाँ पे बात करी गई है। ओके दोस्तों, एनवायरमेंटल डैमेज बहुत कम होने वाला, हर तरीके से फायदा देखा गया है इस काम पे आप मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप जानते हैं हम लोग किसी तरीके से आप मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के दिया आजकल आते हैं, या फिर ऐसे कुछ दिया आते हैं आप लोगों ने देखे होंगे मोमबत्ती के, उनमें क्या होता है कि
वो उसमें से जो आप मान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो खराब करती है। अब एक एक घर से अगर एक एक मोमबत्ती भी जलती है तो बहुत बड़े अमाउंट पे आप मान सकते हैं कि इतनी बड़ी आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एक ही दिन में, तो उसका भी अल्टरनेटिव है हमारे पास। साथ ही साथ काउड को यूज करने से क्या होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगी चीजें, एनवायरमेंट आपका काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। ऐसी बात है वो देखी जाती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है कि इंडिया ने और एडीबी जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन दोनों ने एक आप कह सकते हैं आप उन लोगों ने लोन जो है वो देने की बात करी गई है कि वो लोग राजस्थान सेकेंडरी टाउन है उसे डेवलप करने की बात करी गई है। कितने रुपए देने की बात करी गई है, $300 मिलियन का जो लोन है वो देने की बात करी गई है एडीबी को। ओके, मतलब इंडिया ने और एडीबी ने दोनों ने साइन किया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ क्या खेल है ये पूरा जो चल रहा है। अब क्या बात करी गई है कि बोला गया कि ये जो लोन रहेगा इसमें क्या रहेगा कि फाइनेंस इंक्लूसिव रहेंगे, साथ ही साथ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई की बात, सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, सर्विसेज रहेंगी 14 सेकेंडरी टाउन्स आप मान सकते हैं राजस्थान के अंदर। सेकेंडरी टाउन्स क्या कौन से रहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा भाई जयपुर हो गया, उदयपुर हो गए, ये ऐसे टाउन है जो वहां के मेन है, जो प्राइमरी है, लोग यहाँ जानते हैं ज्यादातर लोग। पर कुछ ऐसे टाउन भी वहां पे होंगे जो जहाँ पे टूरिज्म कम होगा, लोग कम आते जाते होंगे, अब उन्हें वहां पे डेवलप करने की बात करी गई है। ओके दोस्तों, सिग्नेचर्स किए गए हैं ये लोग। ओके, आप मान सकते हैं राजस्थान सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट है जो कि आपके जिसके किसके अंडर में रह रहे हैं, ये आपके समीर कुमार खेर के अंडर में, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हू साइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिस्टर टेकियो कोशिन कोनिश कंट्री डायरेक्टर ऑफ एडीबी इंडिया रेसिडेंट मिशन हू साइंड फॉर एडीबी। ओके दोस्तों, इस तरीके की बातें यहाँ पे करी गई है। और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन की बात ज्यादातर बात यहाँ पे करी गई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे भी मैंने कवर करवाया कि जल जीवन मिशन का कि इतनी ज्यादा अमाउंट पे आप लोग मान सकते हैं वहां पे वाटर सप्लाई करवाना है तो सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। ओके, तो वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन की बात भी यहाँ पे करी गई है। ओके, इन्वेस्टमेंट जो रहेगी आपकी WSS की वो आपकी 10 साल के ऑपरेशन में रहेगी, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ उसमें इन्वॉल्व रहेगा जो भी बात वहां पे चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्लान में भी अपनी भागीदारी को देने की बात कर रहा है यहाँ पे, इस तरीके से इस पूरे प्लान को जो एग्जीक्यूट करा जाएगा। ओके दोस्तों, अब ध्यान में रखिएगा कि इंडिया ने और एडीबी ने साइन कर लिया है कि डेवलप करेंगे वो लोग राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को। कितने रुपए की बात करी गई है, तो $300 मिलियन की बात यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट आता है कि NIT ट्रिची जो है उसने एक MOU साइन किया है CDEC के साथ पुणे ने, और वहां पे वो लोग एक 8 सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अब NIT ट्रिची क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ जो कि पुणे में है, और यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे 17 करोड़ रुपए जो है उसकी फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी सुपर कंप्यूटर्स के लिए। ओके, NIT के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मिनी साजी थॉमस, उन्होंने इस बात के बारे में बात करी गई है कि अब लोग वो क्या करने वाले हैं कि इतने सारे जो पैसे खर्च करेगा तो वो ये अवेलेबल भी होंगे उनके नेबरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब के आसपास के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये फायदेमंद रहेगी। बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है ये, एक तरीके से MOU साइन किया गया है 17 करोड़ रुपए, और यहाँ पे सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने की बात यहाँ पे करी गई है। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा था उसी का ये एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि एक एक्ट्रेस है, उन्होंने अपना मान सकते हैं कि खुशबू सुंदर, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया है, ज्वाइन कर लिया है, पॉलिटिशियन बन गई है वो अब। तो मैं बता दूं आपको कि इससे पहले वो जो थी वो कांग्रेस में थी, वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया, और अब वो किसकी बन चुकी है पॉलिटिशियन, मतलब या कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, सी वॉज इंडक्टेड इन द पार्टी इन द प्रेजेंस ऑफ बीजेपी जनरल सेक्रेटरी CT रवि एंड पार्टी तमिलनाडु चीफ एल मुर्गन इन न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने ये बात करी गई है। छोटी सी न्यूज थी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ कि IIT मद्रास ने एक नया आप मान सकते हैं एंटी माइक्रोबियल फूड रैपिंग मटेरियल, आप लोगों ने सुना होगा कि आपके घर में मतलब फूड को रोटी वोटी को पैक करने के लिए एक रैपिंग मटेरियल आते हैं, वो एक डेवलप कर लिया हमारी IIT मद्रास ने। ओके दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको, ये जो टीम थी इसके रिसर्चर जो थे, मतलब जिसके अंदर जो प्रोफेसर के हेड थे वो आ रही थी आपके मुकेश डोबल, उनके अंडर में आ रही थी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इंस्टीट्यूट के अंदर। ओके, उन्होंने ये कहा कि ये जो नया मटेरियल है ये बायोडिग्रेडेबल है, साथ ही साथ ये प्रिवेंट करता है कंटेमिनेशन ऑफ पैकेज फूड बाय बैक्टीरियल ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर हम लोग इसके अलावा जो मटेरियल्स होते हैं या फिर आप मान सकते हैं कि जो आमतौर पर आप लोग यूज करते हैं सिल्वर फॉइल ज्यादातर जो यूज करते हैं, क्या सिस्टम रहता है उसका कि उसमें काफी सारे बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं वो दौरान में, मतलब उसे पैक करने के बाद काफी घंटे तक वो रखे जाते हैं, तो कुछ आप कह सकते हैं बैक्टीरिया उसमें फॉर्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने जो मटेरियल बनाया ये बायोडिग्रेडेबल है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ ये प्लास्टिक को रिड्यूस करेगा, प्लास्टिक वेस्ट इसमें नहीं होगा, रैपर्स डिकम्पोज हो सकते हैं। ओके, टॉक्सिसिटी कम होगी उसमें, स्टार्च की मात्रा कम होगी। ओके, मतलब ये जो बना है ये मेनली बना है स्टार्च से,
आप लोग मान सकते हैं जो प्लांट्स में पाया जाता है, ओके, एल्कोहल और कई सारे सेफ पॉलीमर्स उनसे बना है। ओके दोस्तों, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, ये डिकम्पोज होगा जो एंटी बैक्टीरियल वेपर है, ये डिकम्पोज होगा आपका 4 से लेकर 98% में, 21 दिन के अंदर ये डिकम्पोज हो सकता है। ओके दोस्तों, अब एक और चीज आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से क्या होगा कि आपका 30 करोड़ जो टन प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट होता था हर साल, वो कम कर देगा ये। ओके, मतलब 9% जो है वो रिसाइकल हो जाता था, 12% जो था वो रह जाता था, तो यहाँ पे भी देखने को कमी मिलेगी हमें। ओके, तो 60 करोड़ जो था ऑलमोस्ट 10 लोग जो थे इस मतलब हमारे पूरी दुनिया में 10 लोग जो थे वो ऐसी खराब खाने को खा के मर जाते थे, ओके, जिनसे उनकी डेथ हो जाती थी। ओके, तो यहाँ पे एक नया मटेरियल उन्होंने डेवलप किया है जिससे कि काफी ज्यादा हेल्प होगी, हमारे पूरे दुनिया भर में हेल्प होने वाली है। अब ये थी न्यूज, आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आज ही के दिन 1964 में पहली बार सोवियत यूनियन ने अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था, वो भी बिना स्पेस सूट वियर किए हुए। ओके, नेक्स्ट आता है कि आज वर्ल्ड सुसाइड, मतलब आज नहीं था ये, ये आपका 10 सितंबर को था और 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाते हैं कि किस तरीके से जो सुसाइड है वो कितनी खतरनाक है, लोगों को मतलब बताया जाता है कि ऐसा ना करिए, इस तरह की बातें वहाँ चलती हैं। इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है IASP के द्वारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, और स्पॉन्सर होते हैं या फिर को स्पॉन्सर होते हैं आपके WHO, सब साथ मिलकर रहते हैं। अवेयरनेस फैलाने की बात यहाँ पे करी जाती है कि सुसाइड कितनी खतरनाक है, आप लोग जानते हैं कि कितनी सारी सुसाइड होती हैं, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेंटल प्रेशर रहता है उन पे, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती, लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से बचने की बात की जाती है। स्टूडेंट भी काफ़ी बार पढ़ाई के प्रेशर में आने के बाद सुसाइड कर लेता है, तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पे ये जो डे है वो बनाया जाता है। आप से दोस्तों मैं हर दिन एक नई रिवर या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और बेहतर हो सके। आज हम लोग ताप्ती रिवर के बारे में बात करने वाले हैं, तापी रिवर भी इसे कहता है, और ये इंडिया में फ्लो करती है या फिर सेंट्रल इंडिया में फ्लो करती है, ये गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में। ओके, साथ ही साथ ये फ्लो करती है आपकी वेस्ट वार्ड बिफोर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है, मिल जाती है। ओके, इस रिवर की लेंथ आपकी 724 किलोमीटर है, इसका जो ओरिजिन है वो आपका मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि आपका मध्य प्रदेश में आता है। ओके, महाराष्ट्र में ये एंटर करती है, कहाँ से, विदर्भा और आपके खंडेस जो जगह है वहाँ से, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में चली जाती है, मतलब सूरत जो जगह है उसके पास है, सूरत के बाद उसके बाद ये आपका ONGC जो ब्रिज है उसके पास निकल जाती है, इस तरीके से रहती है। इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे आपका जो प्रकाशा बैरेज है जो कि ताप्ती रिवर बना हुआ है प्रकाशा जगह पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 अगस्त 1968 को इस पे एक डैम बनाया गया था, युगई डैम जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका क्या है, ये एक वाटर अंडर कंट्रोल एंड प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो देता है, ओवरफ्लो जो है बैंक से उसको जब हो जाता है उस टाइम पे मॉनसून की सीजन पे ज़्यादा रेन आने की वजह से, उससे भी ये बचा लेता है दोस्तों। ओके, मतलब उस टाइम पे ये ओवरफ्लो हो जाता है। ओके, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है ताप्ती रिवर के बारे में। यही थी दोस्तों पूरी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।